हेलो गाइस, वेलकम टू जियो ज्ञान। और आज के जियो ज्ञान में हम पढ़ेंगे सिस्मोग्राफ, जिसे सिस्मोमीटर भी कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है अर्थक्वेक डिटेक्ट करने में या अर्थक्वेक रिकॉर्ड करने में। इसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसमें एक फिक्स बेस होता है, इसमें एक पेंडुलम होता है, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से बेल्ट का हुआ है तो ये एक पेंडुलम हो गया। इस पेंडुलम से एक पेन लगा हुआ होता है, फिक्स होता है, जो कि ग्राफ बनाने में इस रोटेटिंग ड्रम में, ये रोटेटिंग ड्रम है, इसमें एक पेज लगा हुआ होता है। इस पेज पर इस पेन द्वारा ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। चूंकि अर्थक्वेक आता है तो अर्थ में मोशन होती है, इस मोशन को सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है और इस रिपोर्ट को ही सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और इस रोटेटिंग ड्रम में एक क्लॉक भी फिक्स्ड होती है ताकि पता चल सके कि किस टाइम अर्थक्वेक आया। एंड ये सिस्मोग्राफ दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। क्योंकि अर्थ के मोशन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल दोनों दिशा में हो सकती है जब अर्थक्वेक आएगा, इसलिए दो प्रकार के सिस्मोग्राफ होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टली एंड ये रहा वर्टिकल सिस्मोग्राफ। इसमें रोटेटिंग ड्रम रहता है, इसमें वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सिस्मोग्राफ वर्क कैसे करता है। ये अर्थक्वेक का है तो ये पेंडुलम हिलता है और इसमें फिक्स्ड पेन द्वारा इस पेज पर ग्राफ बनता जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।